दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा हैं, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। इन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से दोस्तों एक यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, या फिर हम बोले महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बहुत सारे सवाल हमसे पूछे, जैसे कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया है, यूनिवर्सिटी का नाम पहले कुछ और था, क्यों यूनिवर्सिटी का नाम बदला, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, इस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लें या ना लें, यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी अगर हमने कोर्स कंप्लीट किया है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कैसे करवाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके दिल में हैं, जो आप पूछना चाहते हैं। कोशिश करूंगा कि आज सभी सवालों के जवाब दे सकूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी या फिर हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों जिस तरह से चलती है सभी यूनिवर्सिटीज उत्तराखंड में, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उत्तराखंड में, देखा जाए टोटल 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी आज 2023 की डेट में टोटल 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। इन सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक हमारे पास नाम आता है महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि पहले सिर्फ HGU हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से चलती थी। यूनिवर्सिटी बनी 2016 में, 7/12/2016, अभी चल रहा है 2023, लगभग 6-7 साल इस यूनिवर्सिटी को हो गए हैं अभी तक चलते हुए। यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, वो है प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी, और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो है डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा। अब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में यूनिवर्सिटी चलती है, और यूनिवर्सिटी की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hgu.ac.in, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कुछ दूसरे अप्रूवल्स भी हैं और यूनिवर्सिटी UGC पर लिस्टेड भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज किए जा रहे हैं वो सब कोर्सेज मान्य भी हो, और साथ में ही यूनिवर्सिटी जितने भी कोर्सेज को कराने वाली है उन सबका अप्रूवल भी हो। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट हैं, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाइप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाइप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी, और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, मतलब किन किन कोर्सेज में ये यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, तो कोर्सेज की अगर हम दोस्तों बात करें तो इनके पास हालांकि काफी सारे अलग तरह के कोर्सेज चलते हैं। जैसे कि हम बात करें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाती है यूनिवर्सिटी, बीटेक एमटेक तो यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है। क्यों नहीं करवाती है, मे बी के फैकल्टी मेंबर शायद ना हो यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी डिप्लोमा करवाती है। साथ में फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कि आप BCA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, ये कोर्स करवाती है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब कि आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से BCom कर सकते हैं, MCom कर सकते हैं, साथ में ये आप MBA कर लीजिए, BBA कर लीजिए, मैनेजमेंट में जो कोर्सेज आते हैं मैनेजमेंट के, वो सब कोर्सेज भी आप कर सकते हैं।
फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज, मतलब कि आप बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, बीएसडब्ल्यू भी आता है, वो कोर्स भी आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। साथ में आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मतलब जिसमें कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्सेज करवाए जाते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स करवाई जाती है। साथ में ही साइंसेज में आप इसमें एमएससी कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीएससी का पीसीबी, पीसीएम या फिर ऑनर्स में कर सकते हैं। अलग अलग तरह के कोर्स कराए जाते हैं साइंस के अंदर। लाइब्रेरी साइंस के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में। साथ में योगा एंड मेडिटेशन में एडमिशन ले सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में ले सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज में ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटी पीएचडी में एडमिशन लेती है। पीएचडी बहुत डिमांडिंग इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने कुछ कोर्सेज को पर्टिकुलर तरीके से एडवर्टीजमेंट अच्छे से करती है, और पीएचडी में बहुत सारे स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मैं आपको दोस्तों सिंपल ही बात बता दूं कि यूनिवर्सिटी एक ठीक है, ये एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी है जैसी बाकी यूनिवर्सिटी चलती है, नॉर्मली अप्रूवल के साथ। बहुत अच्छे अप्रूवल के साथ तो यूनिवर्सिटी ये नहीं चलती है, ज्यादा कुछ खास अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है भी नहीं। पर जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जाएं, यूनिवर्सिटी जाकर विजिट करें, फैकल्टी मेंबर से मिलें, हॉस्टल शायद आपको ना मिले पर हॉस्टल जाके देखें, अगर हॉस्टल आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है उसके अंदर। और जिस भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, पिछले जो स्टूडेंट्स पास करके गए हैं या जो पढ़ रहे हैं, जाके उनसे मिलोगे तो आपको चीज़ें बहुत हद तक क्लियर होगी। यूनिवर्सिटी के सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स के हवाले से एडमिशन बिल्कुल ना लें, अपनी विवेक से काम लें, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा गिफ्ट इस दुनिया में दोस्तों कुछ होता नहीं। आप अच्छे से एजुकेशन अगर लेते हैं तो मेरा मानना है जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तरक्की आप कर पाएंगे और अपना नाम कमा पाएंगे। आप 3 साल 2 साल या 1 साल किसी यूनिवर्सिटी को अपना देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है दोस्तों। एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना एजुकेशन के मैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान को अधूरा समझता हूँ, और मेरी लाइफ में एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मैं आप सभी को बोलूँगा दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी को अच्छे से आप देख लें। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप क्या और जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, या किन कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किस अप्रूवल के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हो आप इस महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, आप यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, या कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, व्हाट्सएप करें, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। या फिर आपको डिग्री वेरिफिकेशन करवानी हो, उसमें भी हम आपकी मदद आरटीआई से रिलेटेड बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।